हेलो क्लास सेवन बेटा, ये नया चैप्टर मैंने मॉर्निंग में दे रखा था कि इसको एक दो पेज आप पढ़िए, ठीक है ना। एक दो पेज पढ़ने के लिए बोला था। इसको हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। एसिड बेस और साल्ट, ये नया चैप्टर हमारा, ठीक है ना। थोड़ी डिटेल देखेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली ये जो एसिड है और ये जो बेस है ना, एसिड एंड बेसिस हम डिटेल करेंगे चैप्टर में। लेकिन जो एसिड है और बेस है, जब आपस में मिलते हैं तो ये साल्ट बनता है। बात समझ आई ना। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो ये साल्ट क्रिएट होता है, साल्ट बनता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे और अच्छे से। सी, वी इज इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, नींबू है ना, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर, विनेगर सिरका है, ठीक है ना। डू दे हैव द सेम टेस्ट? सेम टेस्ट होता नहीं होता। लेट अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ द सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। इनका टेस्ट देखना है। इसमें से देखना, देखो सोर है, खट्टा है या बिटर है या कुछ और है ना। इन सब का, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, ये इमली, शुगर, कॉमन साल्ट, अम्ला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, अनराइप मतलब कच्चा है ना, ठीक है। ये सबका टेस्ट हमें देखना है। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट। अगर कुछ नहीं खाया है तो मार्केट से मंगाओ इसे, आप उसको खा के उसका टेस्ट इसमें लिखो, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, ये प्रिकॉशन करना है इसको करते समय ना। सॉरी, ठीक है ना। अब देखिए, टेस्ट करना है, वो टेस्ट करने का एक रीज़न है बेटा। देखिए, उस एसिड और बेस उससे पहचान में आएगा ना। दो टेस्ट इसमें दिखा दे रखा है ना, ये सोर और बिटर, ये दोनों हो अलग अलग या इनके अलावा कुछ और हो तो एनी अदर लिखना है, ठीक है ना। तो सोर और बिटर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो सोर होता है वो टेबल में देखा, इसमें अलग अलग स्वाद मिलेगा, ठीक है। अब देखो एसिड एंड बेसिस अब यहाँ से पढ़ना है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, ये खट्टा होता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये खट्टा हमें क्यों लगता है? क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो खट्टे होते हैं वो एसिड उसमें होता है या एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेस आर एसिडिक। ऑब्वियस सी बात है, जब उसमें एसिड होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा? एसिडिक होगा। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स, सॉरी सॉरी बेटा, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसर विच मीन्स सोर, उसका मतलब ही खट्टा होता है, ठीक है ना। तभी एसिड उनको बोला जा रहा है, ठीक है ना। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। ये जो सब्सटेंस हैं ऑरेंज जूस या लेमन जूस, ये नेचर से ही तो हमें मिलते हैं। दैट्स वाई दे कंटेन वॉट? नेचुरल एसिड। उनमें एसिड कौन सा होगा? वो नेचुरल होगा। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट ऑल्सो टेस्ट श्योर? इफ नॉट, वॉट इज इट्स टेस्ट? वो ऑब्वियसली बेकिंग सोडा में खट्टा नहीं लगता है। तो अच्छा, खट्टा नहीं लगता है तो क्या लगता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड्स इन इट। और खट्टा नहीं तो उसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ये बिटर है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी, थोड़ा साबुन साबुन टाइप का हो जाएगा। जनरली, अब ध्यान से देखो यहाँ से, जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज। तो जो सोर होगा स्वाद में वो एसिड होगा, और उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। पे ज़्यादा रगड़ने पे उसको तो वो बेसिक होंगे, सेट टू बी बेसिक, वही जो मैंने बताया।
बेसिक कुछ सब्सटेंसेस यूज होते हैं कि जिससे हम पता करते हैं कि कोई एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि हर चीज़ हम खा नहीं सकते। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर, ये आपसे पूछा सकता है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस। इंडिकेटर करते क्या है, वो अपना कलर ही चेंज कर जाते हैं। कब, जब उनको किसी एसिड या बेस में डाला जाएगा तो कलर चेंज कर लेंगे, उस कलर से पता चल जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि उसमें एसिड है या बेस है, क्योंकि कलर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। टर्मेरिक जो एक हल्दी है, हल्दी जिसको बोलते हैं, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल जिसको बोलते हैं, एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। मतलब ये नेचर में मिलते हैं। कौन कौन से, लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज या पेटल्स या गुड़हल। ओके, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, जो ये बताते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये आपसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग भी करता हूँ, एक मिनट। डू यू नो, अच्छा कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है, जैसे सिरका, विनेगर है, विनेगर, उसमें एसिड कौन पाया जाएगा, एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग जो चींटियाँ काटती हैं तो हमें जलन होती है ना स्किन पे, जब चींटी काटेगी तो हमें स्किन पे जलन होती है, वो जलन एक एसिड के कारण होती है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन एट्सेट्रा, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंज और लेमन, इसमें साइट्रिक एसिड, ठीक ना। कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड। स्पिनैक, ऑक्जेलिक एसिड। अमला या आमला, साइट्रस फ्रूट्स में एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, या इसी को विटामिन सी बोलते हैं, ध्यान देना, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, या इसी को विटामिन सी बोलते हैं, ठीक है ना। टार्मारिन, ग्रेप्स, अंगूर, अनराइप मैंगोज, इसमें कौन सा पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड, ठीक है ना। ऑल द एसिड मेडिसिन एवर ऑकर इन नेचर, ये जितने भी हैं ना ये एसिड, ये नेचर में नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है ना। मतलब इनको स्पेशली बनाया नहीं जाता, ये नेचर में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, नेम ऑफ द बेसिस, कहाँ कहाँ कौन पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर में, इसको आप रट जाइए बेटा, ये बहुत ज़रूरी है, एसिड और बेस दोनों वाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाया जाता है, सोप में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस ये कहाँ पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। और जो सबसे नीचे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता है, जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिड है, एसिडिटी मतलब एसिड, तो और ये है क्या, ये बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस एसिड को खत्म करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, क्योंकि एसिड बेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब ये बेस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, हम पेट में इसको किसी फॉर्म में लेते हैं, तो अंदर जो एसिडिटी फॉर्म हुई होती है एसिड की वजह से, वो एसिड खत्म होने लगता है इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, ठीक है ना। तो इतना आप पढ़िए, ठीक है ना। अच्छा, इनको जरा सा देख लेते हैं। कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज, दे कुड हार्म अस, ऑब्वियसली। सारी चीज़ ये नहीं कि कोई बहुत ही खतरनाक एसिड पड़ा है और आप पी लीजिए कि खट्टा रहेगा तो एसिड है, नहीं, सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, बिना पूछे बिना किसी से कंसल्ट किए हम नहीं करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ तक आप करिए। अब जो हमने बताया कि इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि एसिड है या बेस है, वो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और उसमें भी तो पहले पढ़ेंगे क्या, नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर में मिलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मैन मेड इंडिकेटर्स क्या हैं, ठीक है ना। पहले नेचुरल इंडिकेटर देखेंगे कि जो नेचर में हमें मिलते हैं उससे कैसे पता लगा जाता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक यू।